स्कूल की गोली चलाने से पहले ये एक तुम्हारी दीदी का लिखा हुआ खत पढ़ लो। झूठ, झूठ है ये। इरा जी, मोटी बाब, ये क्या कर रही हो आप? जिसने हमारे जीवन में सबेरा लाया है वो प्रकाश की किरण तुम ही तो हो, है कि नहीं? थैंक गॉड सो रहा है। तुम इतने दिनों बाद ऐसी चैन की नींद मिली है ऐसे। ये इस वक्त कौन हो सकता है? गुलकी तो नहीं? एक बहुत बड़ी पार्टी के लिए ज्वेलरी का ऑर्डर लेना है। तो मैंने सोचा कि गुड लक के लिए सबसे पहले अपनी एंजल का चेहरा देखूंगा। हमारा दरवाजा क्यों खटखटाया? अरे ये मेरी आंखें बंद है, मुझे लगा एंजल का रूम है। तेरी ना चंचल बो की सीरियल देखते के ना साइको हो गया। ऐसा गुडलक कुछ नहीं होता। तुझे क्या पता, तूने कभी प्यार थोड़ी किया है। अब एंजल का रूम किधर है? परफेक्ट। इरा जी, कौन है? भी बास के पैसे की तरह बाप देगा। बाप पर मत जा इरा। सॉरी पापा, डायलॉग था। ए बजरंग बली, ये कुलकी जी ने कौनो आदमी तो नहीं भेजा हमला करने के लिए? छोड़ेंगे नहीं का। राजू को छेड़। रुको रुको रुको, भाविक भाविक है। का? हे प्रभु, ये बजरंग बली। भाभी भैया, ठीक तो हो ना? हमका माफ करते ना, हमका लगा इरा जी को कौन छेड़ रहा है। ठीक तो हो ना? ठीक। अरे कुछ नहीं हुआ इसको, इसे तो और दो तीन फाइट देनी चाहिए। साधवी आप क्या बोल रही है? हाँ, जोर की लगी का और क्या, शर्मिंदा ना ही करो हमका। चलो बर्फ का लेप लगा के देते आओ, चलो। अरे अखिलेश तुम रहने दो, मैं दे दूंगी उसे आइस। अरे मैं दे दूंगी, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। ठीक है याद से। ठीक है भैया पागल है। चल, वैसे मानना पड़ेगा अखिलेश तेरी कितनी चिंता करता है ना। जम्प पर्सन यार, जम्प पर्सन। सोच, तेरे लिए इतना सोचता है तो अपनी पत्नी को तो एकदम प्रिंसेस की तरह रखेगा ना।
हाँ ये बात तो सच है. आई होप कि उसे ये इस नाटक से जल्दी छुटकारा मिल जाए ताकि वो अपनी लाइफ पार्टनर को ढूंढ सके. I'm sure कि उसे कोई बहुत अच्छी लड़की मिलेगी. सत्य वचन बालिके चेक करना. वो यूएस के जो डॉक्टर थे ना जो अखिलेश का रिवर्सल करने वाले थे वो मुंबई आए हैं और वो हमसे आज ही मिलना चाहते हैं. क्या बात है डॉक्टर ईरा. मैं जाके अखिलेश को बता देती हूँ. नहीं इतनी आसानी से नहीं. ये बात तो मैं उसे सरप्राइज ही दूंगी. कहाँ सरप्राइज ये तो बता दीजिए हमको. अरे बता दूंगी थोड़ा तो पेशेंस रखो. ये मोटी बा का फोन है. मैम आती हूँ. हेलो. बड़े डॉक्टर का दवाखाना लगता है. सुनिए हम और कुछ बोलना बाकी है. अरे मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले. एक अच्छा परिवार और अच्छा पति. अरे ये तो मेरा नसीब अच्छा था कि ऐन वक्त पे मैं तुम जैसे आधे अधूरे आदमी से बनने से बच गई. हे बजरंगबली कहीं यही तो ईरा जी का सरप्राइज नहीं. अखिलेश हम डॉक्टर साहब से मिलने आए हैं. ये समझदारी का काम शादी से पहले किया होता. खैर छोड़िए आप अपनी डिटेल्स बताइए. फॉर्म फिल करती हूँ. नाम अखिलेश पांडे. अखिलेश पांडे. उम्र 28 बरस. शादी तो आपकी हुई नहीं होगी. चुटकी क्यों नहीं हुई होगी शादी. अब बिल्कुल हुई है और वो भी लव मैरिज. अब मैं इनकी धर्मपत्नी. हो गया ना फॉर्म भर के. हो गया ना. तुम इससे शादी कर रही हो है ना लाखों में. ऐसा लंपट लफंगा लाखों में एक ही हो सकता है. तुमसे बहुत बड़ी भूल हो रही है. पांडे जी ओ सॉरी हाँ वो मोटी बा का फोन आया था ना. चलो बैठ जाते. चल चल रहे. हाँ तो इधर घुमा दो. पांडे जी आ करो आ. चलो अभी मुझे भी अपने हाथों से खिलाओ. अरे शर्मा क्यों रहे हो.
वैसे तो अपने मुंह से आधा चॉकलेट खिलाते वक्त शर्म नहीं आती आपको? और भी बड़ी शर्म हमारी यहाँ गलो खिला। पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा, तब तक एक जॉब की ले लेती हूँ। ऐसे तो आप पूरी रात मुझे सोने कहाँ देते हो? बदमाश कहीं। पांडे जी, थपकी दो ने? आपको तो पता है ने कि मुझे आपके थपकी के बिना नींद नहीं आती। जी कहा है कि गर्मी बहुत है ना, तो ठंडा पानी पी लो सोने से पहले। ठीक, आओ चलो 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 आओ आओ। वहां बैठे बैठे बड़ी रोमांटिक काहे हो रही है? मैं तो बस उस चुटकी को जलाने की कोशिश कर रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी शादी के ऊपर कमेंट करने की? हाँ, उसे भी तो पता चले क्या खोया है उसने। राजी छोड़ी ना, देखिए बेचारी का दिल टूटा है। दिल टूटा है तो फेवी कॉल से छोड़ दे। अब तुम ना ये बेकार के महापुरुष मत बना करो प्लीज। कभी कभी ना बहुत इरिटेटिंग हो जाती हो तुम। अगर कोई तुम्हें एटीट्यूड देना तो उसे डबल एटीट्यूड देना चाहिए, और खास करके अगर वो लड़की हो तो। लड़कियों को ना ये सिर पर चढ़ के ना तांडव करने की बड़ी गंदी आदत होती है। और अब ना अब तुम भी थोड़े रोमांटिक बनो। जल भून के राख हो जाने दो उस चुटकी को। अरे कहा बेफिजूल की बातें कर रही है, जबरन कहा है वो बेचारी का दिल दुखा है हम। अखिलेश, अगर तुमने उसे जलाने में मेरी मदद नहीं की, अगर तुमने उसे एटीट्यूड नहीं दिखाया ना, तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अरे मेरा जी ठीक नहीं है भाई। चलो जाओ जाओ और जाके रॉब झाड़ो उसके सामने। जाओ अरे ये किस प्रकार का दवा खाना है? कूलर में ठंडा पानी कहीं नहीं आ रहा है? वो पीने के लिए कि नहाने के लिए? ठंडा पानी आना चाहिए। हमारी धर्म पत्नी को केवल ठंडा पानी पीने की आदत है, हम कह रहे हैं। और कब से इंतजार कर रहे हैं? हमारा नंबर कहीं नहीं आ रहा, हम कह रहे हैं नंबर कहीं नहीं आ रहा हमारा। हमका सिनेमा देखने जा रहा है हमारे धर्म पत्नी के साथ। वो अगर हमारा सिनेमा छूट गया ना, हमका गुस्सा आ जाएगा, हम कह रहे हैं बहुत गुस्सा आएगा हमका। और यहाँ टीवी भी नहीं लगाया टाइम पास के लिए। देखिए आप प्लीज शांत हो जाइए, खामखाया शोर मत मचाइए। आपकी वजह से मेरी नौकरी भी जा सकती है। अभी अभी तो ज्वाइन किया है मैंने, और हमें सच में नहीं पता कि कूलर के साथ क्या इशू है। हम चेक कर लेते हैं। छुटकी जी देखिए, हमारी वजह से आपकी नौकरी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कहीं भैंस पानी में क्षमा कर दीजिए, हम तो गुस्से में कुछ ज्यादा ही। लेकिन उपाय की हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, हम कह रहे हैं हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे हम। और डॉक्टर का फोन लगाए होगा, कहिए कि नुकसान उका हो रहा है हमारा नहीं। हेलो जी, वो आप लोगों को अंदर बुला रहे हैं। तो आप नहीं तो कब बुलाएंगे? अरे नुकसान उका हो रहा है हमारा नहीं। ठीक है चलिए राजी। चलिए यहाँ गर्मी बहुत है, और टीवी लगा दीजिएगा। ठीक है
चलो। कितनी फिकर करते हो ना आप मेरी पांडे जी। Eligible bachelor in town, my pumpkin. Wow. Sit down. Come on. Thank God, us gooky pooky se hume chutkara mil gaya. What a nightmare that's been, hai na? I know. Ab tum logon ko mere bete ke liye ek beautiful, sophisticated, and rich ladki dhundni hai. You mean just like me? Anyway, हमें आदि के लिए कोई हीरे जैसी लड़की ढूंढनी चाहिए, just like a diamond. That's right. बिल्कुल आपके नेकलेस के बड़े-बड़े डायमंड्स की तरह. Oh my God, Shweta, इतना महंगा सेट? तुम्हारी कोई लॉटरी-वॉटरी लग गई क्या? हम्म? लॉटरी ही निकली है समझो. Actually, मेरे हस्बैंड का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था. और डॉक्टर की नेगलिजेंस की वजह से उन्हें इन्फेक्शन हो गया। Oh my God! फिर? इन्फेक्शन तो बिल्कुल ठीक हो गया। हमने डॉक्टर के खिलाफ केस कर दिया। और कॉम्पेंसेशन में उसे पूरे 25 लाख रुपए देने पड़े। What? और ये नेकलेस भी उसी की देन है। That's awesome! Can you just excuse us for a wee bit? Yeah, just give up. Girls? Did you hear that? Of course, Mom. Shweta itni cheap hai. Cheap nahi hai, duffer. Smart hai. And how's that? Jis doctor ne glue bete ki galti se nasbandi kar di thi, us par hum bhi to negligence ka case laga sakte hain. Compensation mein hame about 35-40 lakh mil sakte hain. What do you say? So you mean हम फिर से रिच हो जाएंगे? Of course, darling. माँ अगर अखिलेश भैया ने already consent form sign कर दिया होगा तो? Oh come on, sit. Stop being such a boob. Consent form बदला जा सकता है, hospital authorities को खरीदा जा सकता है. Anything is possible. Come on, what's the big deal? बस उस doctor का पता लगाना होगा जिसने गलती से clue बेटे की नसबंदी की. Hello doctor. अखिलेश. ये वही सरप्राइज है जो मैं तुम्हें देना चाहती थी। ये डॉक्टर प्रधान है, बहुत बड़े यूरोसर्जन, और तुम्हारी नसबंदी का रिवर्सल यही करेंगे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। सर ये फाइल। एक बात समझ में नहीं आई, अगर रिवर्सल करवाना ही था तो ये नसबंदी क्यों कराई? सर वो एक्चुअली हाँ एक्चुअली सर वो पेशेंट अभी पेशेंट के साथ हूँ, 10 मिनट के बाद कॉल करने को बोलो। हाँ जी। यस डॉक्टर ईरा। मैं सिटी हॉस्पिटल में इंटर्न हुआ था। हमारा वैसेक्टमी ड्राइव चल रहा था और उसी दरमियान अखिलेश वहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए आए थे। आदित्य पांडे, हम अखिलेश पांडे के बड़े भाई, हमका फोन आया था वो यहाँ है। देखिए ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है और पेशेंट को ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे परिवार का भविष्य आपके हाथ में, जो करना है जल्दी कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। अनफॉर्चुनेटली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग में मुझे लगा कि ये नसबंदी के लिए आए हैं और मैंने इनकी नसबंदी कर दी। I know, sir, ये बहुत स्ट्रेंज साउंड करता है, but that's what it is. इनकी नसबंदी की खबर जैसे ही बाहर निकली तो इनकी शादी टूट गई और इनकी माँ सीवियरली डिप्रेस्ड हो गई। उनका बस यही कंसर्न था कि इनकी शादी होगी या नहीं, तो इसीलिए हमने छुट्टी शादी का नाटक किया।
फिर हम बस नसबंदी रिवर्सल के लिए पैसे जुटा रहे हैं। बस ये एक बार रिवर्सल हो जाए फिर हम सबको सच बता देंगे। सर अब जो भी है आप ही कर सकते हो सर, प्लीज जल्द से जल्द हमें एक डेट दे दीजिए ताकि रिवर्सल जल्दी से हो जाए। हाउ अनयूजुअल, बट एक बात अच्छी है, ऐसी मुश्किल सिचुएशन में भी आप दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। डॉक्टर ईरा, क्या आप दोनों मलेशिया आ सकते हैं? मिड जून में मैं वहां कुछ दिनों के लिए कॉन्फ्रेंस पे हूं, हम उसी दौरान अखिलेश का रिवर्सल भी कर सकते हैं। मलेशिया यानी विदेश? हाँ 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 डॉक्टर, हम आ जाएंगे। गुड, थैंक यू डॉक्टर। एक बार हमारा नसबंदी पलटने का ऑपरेशन हो जाए फिर ईरा जी झूठे रिश्ते से आजाद हो जाएंगे। बस एक बार ये रिवर्सल हो जाए, अखिलेश को फिर से उसकी हस्ती खेलती जिंदगी मिल जाएगी।